इधर झारखंड में 60-40 आधारित नई नियोजन नीति का कई छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। लेकिन अब छात्र संगठनों में दो मत सामने आ रहे हैं और आंदोलन दो गुट में बंट गया है। गौरतलब है कि झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने बीते दिनों नई नियोजन नीति के विरोध में 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 9 अप्रैल को मशाल जुलूस और 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया था। लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री के निधन के बाद छात्र संघ ने बंद स्थगित कर 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया, जबकि झारखंड यूथ एसोसिएशन द्वारा आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में 60-40 आधारित नई नियोजन नीति को लेकर छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। अब छात्र संगठनों में दो मत सामने आ रहे हैं और आंदोलन दो गुट में बंट गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने बीते दिनों नई नियोजन नीति के विरोध में 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 9 अप्रैल को मशाल जुलूस और 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया था। लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री के निधन के बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने बंद स्थगित कर और 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया गया था, जबकि झारखंड यूथ एसोसिएशन द्वारा आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। और सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, झारखंड यूथ एसोसिएशन द्वारा आज बंद का ऐलान किया गया है, क्या कुछ स्थिति आपको देखने को मिल रही है? बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? सबसे पहले आपको झारखंड दौरान राजधानी रांची में जो है खासतौर पर रांची के बाईपास रोड जिसे सीआईटी रोड भी कहते हैं और मंत्रिमंडल से लेकर तमाम अधिकारी पदाधिकारी और सरकार के जो लोग हैं वो इस मार्ग का प्रयोग करते हैं आवागमन के लिए। लेकिन जहाँ जो असर है बंद का वो कहीं से कुछ नहीं नजर आ रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जो छात्रों का आंदोलन है ये अब दो भाग में बढ़ चुका है। पहला पार्ट जो है वो देवेंद्र महतो के पक्ष में आता है, पहला पक्ष जिसमें देवेंद्र महतो ने कहा था कि आगामी 17, 18 और 19 तारीख को झारखंड बंद बुलाया गया है क्योंकि जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से वो शोकाकुल है और जो बंदी बुलाई गई थी इसे एक्सटेंड करके 17, 18, 19 को कर दिया गया है। वही दूसरी ओर दूसरा पक्ष जो है सभी इमाम का जो है जो छात्र नेता है उन्होंने कहा था कि हमने अपने कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया है और 10 तारीख को ही झारखंड बंद किया जाएगा। लेकिन अब जो छात्रों का जो आंदोलन है जो दो पार्ट में बढ़ गया है नतीजतन कह सकते हैं कि छात्रों का आंदोलन कमजोर पड़ चुका है। दोनों पक्ष अलग अलग बातें कर रहे हैं और ये आंदोलन अकेला चलो रात में अब तब्दील हो चुका है। एक पक्ष जहाँ आज बंदी नहीं बुला रही है वही पक्ष यहाँ आज बंदी बुलाया है। रांची के वीआईपी मार्ग में जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे की तरह से लोग अपने कामकाज में अपने कार्यालय के लिए कैसे रवाना होते हैं उसी तरह से हर कोई अपने समय अनुसार अपने कार्यालय के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसकी तस्वीरें जिसका जो नजारा है वो रांची की सड़कों में देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि झारखंड में जो 60-40 के खिलाफ छात्रों का आंदोलन है इसे लेकर बुलाया गया बंद आज नाकाम। जी बिल्कुल मोइजुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज झारखंड यूथ एसोसिएशन द्वारा बंद का ऐलान किया गया है। सहयोगी ने दिखाया कि किस तरीके से बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और ये पूरी बंदी 60-40 आधारित नई नियोजन नीति को छात्र संगठन इसे लेकर विरोध कर रहे और इसे ही लेकर इस बंद का ऐलान किया गया है।